अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम 9th क्लास का बायोलॉजी का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये दोनों जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हैं और इनका नतीजा हार्ट अटैक की सूरत में निकलता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। आइए इन दोनों बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं कि ये दोनों बीमारियां असल में हैं क्या। सबसे पहले पहली बीमारी को देखते हैं जिसको हम कह रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ब्लड आर्टरीज जब नैरो हो जाती हैं, बारीक हो जाती हैं अपने ओरिजिनल साइज से, वो उनका साइज जो है वो छोटा हो जाता है, उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज, जब भी कोई ब्लड आर्टरी अपने ओरिजिनल साइज से नैरो हो जाए तो उसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। सो एथेरोस्क्लेरोसिस इज द नैरोइंग ऑफ द ब्लड आर्टरी। इसकी आगे देखते हैं कि कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं, किस वजह से ये आर्टरी जो है वे ये नैरो होती हैं अपने ओरिजिनल साइज से, बारीक इनका साइज हो जाता है। देखिएगा इसकी जो मेजर काज है, एक्युमुलेशन ऑफ फैटी मटेरियल, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रिन इन आर्टरीज। आर्टरीज की जो अंदर वाली दीवार है वहां पर कोई फैटी मटेरियल इकट्ठा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाए या फाइब्रिन इकट्ठी हो जाए तो ऐसी सूरत में वो नैरो हो जाती है, क्योंकि साइड पर वो सारी चीजें जो है वो जम जाती हैं, तो इस तरह से जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है। डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि जब आर्टरी नैरो हो जाएगी तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, और इसकी हमने वजूहात पढ़ ली कि आर्टरी के अंदर की तरफ अगर कोई फैटी मटेरियल, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रिन आर्टरीज के अंदर की तरफ जमना शुरू हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में वो थिन हो जाती है। आप समझिएगा ये थिन कैसे होती है। ये एक आर्टरी है, कोलेस्ट्रॉल इसकी सबसे मेन वजह है। यहां कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा कि साइड पर प्लैक जमना शुरू हो जाता है। ये देखिएगा प्लैक, प्लैक कोई ऐसी हार्ड सख्त चीज जो टूट के अलहदा नहीं हो सकती, बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह ये एक लेयर बनती है, इसको हम कहते हैं प्लैक। कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ब्लड के अंदर ज्यादा होगा तो ब्लड की आर्टरीज के अंदर की तरफ ये प्लैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, मल्टीपल प्लैक्स बन जाते हैं। ये एक प्लैक, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आर्टरी जो है अंदर से अपने ओरिजिनल साइज से नैरो हो गई, क्योंकि अंदर ये जो है आउटग्रोथ बन गए हैं। ये आउटग्रोथ क्या कहलाते हैं? प्लैक्स। अब प्लैक्स जब यहां पे ब्लड गुजर रहा है प्रेशर से तो क्या होता है, रस्ते में प्लैक्स, प्लैक है, प्लैक जो है ब्लड सेल्स को रोकना शुरू कर देता है। ये देखिए ब्लड सेल्स यहां पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब नतीजा क्या निकलेगा, ये जो क्लॉट बना है ब्लड, यहाँ पे ब्लड सेल जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने एक क्लॉट की शक्ल ले ली है, और उस ब्लड क्लॉट को हम कहते हैं थ्रोम्बस। अब ये थ्रोम्बस जो है ये साइज में बढ़ता जाता है क्योंकि ब्लड सेल यहां से गुजर रहे हैं और इसके साथ चिमटते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं, और ये क्या होता है इकट्ठे होते होते आर्टरी को बहुत ज्यादा नैरो कर देता है। अब यहां पे ब्लड बहुत प्रेशर से गुजर रहा है, अब प्रेशर से गुजर रहा है तो ऐसा होता है कि ये जो थ्रोम्बस है ये पूरे का पूरा या इसका थोड़ा सा टुकड़ा इससे अलहदा हो जाता है, और जब ये अलहदा होगा इसको कहते हैं एम्बोलस। एम्बोलस आगे जाके जब ये कैपिलरी में से गुजरेगा तो कैपिलरी को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। तो यहां पे आप देखें कि ये जो है प्लैक बना पहले, प्लैक के बाद वहीं पे ही ब्लड सेल्स इकट्ठे होना शुरू हुए जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बना, उस ब्लड क्लॉट को हम कहते हैं थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस पूरे का पूरा या उसका कोई टुकड़ा जब इससे अलहदा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एम्बोलस।
एम्बोलस। अब इसके अफेक्ट क्या निकलेंगे, ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं होगी जब ये जो है जो आर्टरी है वो नैरो हो जाएंगी, तो नतीजे के तौर पर ये ब्लड सप्लाई सही नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी और फूड भी आगे बॉडी को सही नहीं मिलेगी, तो इसका नतीजा ये निकल सकता है कि कुछ टिश्यूज की डेथ हो सकती है। और अगर ये उस आर्टरी में जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही है तो फिर जाहिर है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई, हार्ट को खुराक नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर ये सिचुएशन आ गई है कोरोनरी आर्टरी में। तो ये थी जी एथरोस्क्लेरोसिस। एक दफा दोबारा बताता हूं एथरोस्क्लेरोसिस क्या है। दिस इज द कंडीशन इन विच द आर्टरीज बिकम नैरो एंड इट इज कॉज्ड बाय द accumulation of fatty material, cholesterol or fibrin inside the artery. The major cause is the cholesterol. When inside blood there is high level of cholesterol, multiple plaques are produced inside the arteries. These plaques cause the accumulation of blood cells and the condition is known as thrombus. The blood clot which is made is known as thrombus, and when thrombus detach and flow inside the blood then it is known as embolus. तो यहां हमने arteriosclerosis उसकी वजूहात और तीन टर्म जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अहम है, प्लैक, थ्रोम्बस और एम्बोलस के बारे में पढ़ लिया। अब हम दूसरे के बारे में देखते हैं कि arteriosclerosis क्या है। arteriosclerosis is the hardening of the arteries. जब आर्टरीज की वॉल बहुत ज्यादा सख्त हो जाए तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इट इज द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। इसकी कॉज क्या है, आर्टरीज के अंदर जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है, कैल्शियम, तो कैल्शियम की डिपोजिशन से आर्टरीज की वॉल बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। तो इसकी कॉज क्या हुई, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर कैल्शियम का जम जाना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह बनता है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, जब आर्टरीज में से ब्लड गुजरता है तो इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, मतलब इनका ल्यूमेन जो है वो साइड साइज में बड़ा हो जाता है, और जब ब्लड गुजर गया फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, इनका साइज के अंदर से ल्यूमेन जो है वो छोटा हो जाता है। तो इनके अंदर एबिलिटी होती है कि जब हर ब्लड को प्रेशर से पंप करेगा तो ये खुली हो जाएंगी, एक्सपेंड कर जाएंगी, और जब ब्लड इनसे गुजर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। तो अब जब ये हार्ड हो गई, हार्ड जितना भी प्रेशर से ब्लड पंप करेगा ये एक्सपेंड नहीं हो सकती, इसके एक्सपेंड होने की और कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी लूज हो जाती है, तो जिसकी वजह से इनमें से ब्लड प्रॉपरली नहीं गुजर सकता। तो ये हमने दो बीमारियां पढ़ी जो कि हमारे वास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड थी। एक थी आर्थियोसेक्लेरोसिस जिसमें हमने कहा कि आर्टरीज नैरो हो जाती है, और आर्टेरियोसेक्लेरोसिस जिसमें हमने ये कहा कि आर्टरीज जो है उसकी वॉल हार्ड हो जाती है। ये दो बीमारियां और इनकी हमने वजूहात पड़ी। आज के लिए इतना ही, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनल लाजमी पूछिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।